सर बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं। सबका साथ सबका विकास वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है। आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा, अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। क्यों अभी नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजेपी मंत्री संबित पात्रा द्वारा अंजना ओम कश्यप और जनता के पूछे गए सवाल को कैसे जवाब देते हैं। देन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सिटीजन विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा आपने बताया सर कि ना बुलडोजर चलाई जा रही है, कि आप ये क्यों नहीं देखते कि सर एक न्यायपालिका, और जो बुलडोजर शब्द है ना वो 2019 में सुनाई दिया जहां सीएनआई और जो एनआरसी प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठुकरा दिया गया था। बात दूसरी चीज में ये कहना चाहूंगा, हर डिबेट किसी भी बात में हिंदू मुस्लिम कहां से आ जाते राजनीतिक में। मेरा सवाल आपसे है सुमित सर, बेसिकली आप जितने भी सवाल होते हैं सबका घुमा फिरा के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर दे देते हैं, और सबसे बेस्ट आपका मतलब घुमा फिरा के कभी आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, कभी बोल देंगे सबका साथ सबका विकास, वो नारा हमें पता है, हम जानते हैं, हम भी टीवी देखते हैं, हमें बीजेपी का सब पता है, आप एग्जैक्ट आंसर कब देंगे? चलिए अब सबका जवाब देखिए अंजना जी, बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए, बहुत देर तक सुना, बुलडोजर चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है, ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया। ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है, मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहां बैठा हूं। आ गए आप, ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी, आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी आप कंट्रोल कर पाएंगे? अंजना जी मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा, मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता। जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है वो हमसे सवाल जवाब ना करे। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सोल्यूशन कहां है? दिया ना। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है इस देश में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद है, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी। महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा जी, जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड देना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना, क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं आज, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाते हैं? ये भी असली मुद्दा है, बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर गैस ये भी मुद्दे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन आ रहे हैं। अंजना जी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? और आप बताइए जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी कहे। इन्हें नौकरी चाहिए सर, ये जितने बच्चे बैठे इन सबको नौकरी चाहिए। जामिया मिलिया वालों को नौकरी मिलेगी? किसने बोला जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? किसने कहा? मैं जवाब, किसने कहा जामिया मिलिया वालों को नौकरी नहीं मिलेगी? जामिया मिलिया वालों, जानबूझ के आप जामिया मिलिया का नाम नहीं कहेंगे? उन्होंने जामिया मिलिया बोलना खराब है क्या? नहीं नहीं खराब है क्या? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सम्मान के साथ जामिया मिलिया नहीं कह सकता। नहीं आप कह सकते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। छोटा छोटा जवाब आप जल्दी से। अभी हमारी बहन ने सही कहा कि अपनी संविधा के हिसाब से गोल गोल घुमाते रहते, राउंड राउंड अगेन। अरे गोल गोल घुमाता हूं, AK-47 तो नहीं चलाता हूं। अरे सुनिए भाई, सुनिए थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। लेकिन आप देखिए कि सारा गोल गोल घुमाते रहे, मूल मुद्दे पर नहीं है। कहें कि हमारे प्रवक्ता इकोनॉमिक अफेयर्स, तो आप क्या गोबर अफेयर से आए हैं? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? कैसी भाषा है? गवारों को कहां से उठाए? यही जवाब गवारों को उठाते
ये गवार कहीं का आके यहाँ गवार नहीं, अभी आप सुनना पड़ेगा। नहीं, क्या सुनना हमने आपको सुना ना, ये आज तक का डिबेट हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको नहीं बोले हैं क्या हो रहा है? अरे आपको गाय का गोबर आपको इतना अच्छा लगता है, मैं भी अभी स्वान का नाम ले लूं। गाय का गोबर अच्छा होता है, भाषा पर संयम। मैं गाय के ऊपर हमेशा नहीं, एक बात सुनना पड़ेगा। अरे सुन कि हिंदू खतरे में है इस देश में, कब तक इनको समझाते रहिएगा? देखिए अंजना जी, इनका हिंदू बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है, पंजाब पे खतरा में आ जाता है। यही तो करना पड़ेगा आप सभी का। बहुत धन्यवाद फ्रेंड। आप इस बीजेपी मंत्री संबित पात्रा के जवाब और मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट पर लिखें। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।